गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हेलो एक और नया दिन और एक हेलो नया देश कजाकिस्तान। तो आज है तारीख सितंबर 7 और डे 24 है हमारा इंडिया टू लंदन ट्रिप। तो बहुत जल्दी ही हम 8:45 बजे इस होटल से कूच करेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। और 15 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान बॉर्डर है और फिर वहां जाके फॉर्मेलिटीज काफी सारी होंगी क्योंकि बहुत दिनों के बाद अब हम एक नई कंट्री में एंटर कर रहे हैं। तो बॉर्डर्स पे क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, ये सब मैं आपके साथ साझा करूंगा। जैसे हमें कार इंश्योरेंस लेना है, हमें बॉर्डर पे एंट्री लेना है, गाड़ी की चेकिंग होगी नहीं होगी, कितना टाइम हमें लगेगा। कजाकिस्तान वीसा फ्री है फॉर इंडियंस, सो वी हैव नॉट टेकन एनी वीसा फॉर कजाकिस्तान। अच्छा और उसके बाद हम जाएंगे वहां से अलमाटी, जो बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। तो मैं क्विकली अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेता ये हूँ। बॉइल्ड एग्स हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये इनका सोया मिल्क, ये नॉर्मल मिल्क लग रहा है, इसके अंदर बॉइल्ड एग्स है। आज पहले से अच्छा है, ये नॉन वेज है, ये तो नॉन वेज नहीं लग रहा है मेरे, ये कल रात को भी मैंने खाया था, इंटरेस्टिंग है। बीन्स हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं और ये सब बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं इधर। और दो तीन अर्ली राइजर्स आ गए हैं, एक बाइकर भी आ गया है। ब्रोकली, सम नूडल्स, ये बेबी एप्पल ये मैंने भी खरीदे थे, बनाना। आज बहुत दिनों के बाद ब्रेड नज़र आ रही है और ये लोकल ब्रेड है, ये भी मैंने लिया था। और बटर इसमें नज़र नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा बटर किधर है। और बाकी तो सब ठीक है, ब्रेकफास्ट स्पेड इज ओके, रेस्टोरेंट इज फाइन लुकिंग। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हाँ आगे का कार्यक्रम शुरू करूंगा। इसमें शायद मोमोज वगैरह होंगे। हाँ, ये इनका लोकल ब्रेड है, एक के ऊपर एक चार लेयर्स में है। ये भी मोमोज है, अब इसके अंदर स्टफ क्या है, ये कॉर्न है और स्वीट पोटैटो है। तो आई स्टार्ट माई ये ब्रेकफास्ट मेरा नाउ। आज का ब्रेकफास्ट है, वही मोस्टली बॉइल्ड वेजिटेबल्स एग, लेकिन आज ब्रेड भी है। लेकिन ये ब्रेकफास्ट टमी के लिए वैसे बहुत अच्छा है। सुबह सुबह खरगोश के नज़ारे देखिए आप, कितने खूबसूरत है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पूरी रात बारिश होती रही है, ठंड भी काफ़ी हो गई है। ये वो लेक है कल जो आपने शाम को देखी थी, या वाटर बॉडी। ये बीच में यहाँ ना इन्होंने कबूतर और बतखों का घर बनाया हुआ है, ये देखिए आप। मैं छतरी लेके बारिश में खड़ा हूँ, इससे थोड़ा कैमरा हिल गया है। और यहाँ एक ब्रिज है जो रात को बहुत चमक रहा था, और ये बिल्डिंग्स रात को क्या बढ़िया लाइटेड थी। और ये बॉर्डर टाउन है, यहाँ से कजाकिस्तान सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ से चलेंगे, मेरे ख्याल से 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर बॉर्डर की फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। तो ये टाउन बड़ा नीट एंड क्लीन है, होपफुली आज हम सब समय से निकलेंगे क्योंकि वहाँ पे एक एजेंट हमारे लिए वेट करेगा। तो आप खैर उन बातों को छोड़िए और ये नज़ारों का मज़ा लीजिए। कितना क्वाइट और पीसफुल शहर है ये, ऐसा नहीं है 9 बज गए हैं सुबह के, लेकिन कहीं कोई अभी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है। ये स्कल्पचर अच्छा है, एक मदर एंड चाइल्ड का सामने। तो ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पब्लिक टॉयलेट भी बना हुआ है, पार्किंग है खूब बिल्डिंग्स के आसपास, इस होटल के भी खूब पार्किंग है। तो ये सुबह सुबह जैन साहब तो अपनी सेल्फी ही लेते रहते हैं, पता नहीं किसको भेजते हैं, पता करना पड़ेगा। हाँ और क्या, हर वक्त ना सब जगह सेल्फी लेते रहते हो, कुछ तो दाल में काला है। कोई फोटो लेने वाला है नहीं मेरी। हाँ तो आप अपनी फोटो क्या लेके करोगे क्या, ये बताओ मेरे को, किसी को भेजोगे जब ही तो है। मेमोरीज आज से किसी अच्छा, की नहीं अपनी फोटो से कौन सी मेमोरीज बनेंगी यार, दूसरों की फोटो से मेमोरीज बनेंगी। ये आप सही कह रहे हो हाँ लेकिन तो इसलिए देख लो, कुछ तो है जो ये बता नहीं रहे नहीं हैं। है मैंने आज तक कोई ये फोटो हमारी भेजी गाड़ी नहीं का बुरा हाल है, डाले का, इससे पानी घुस जाता है यार ट्राईपोड से, ये बड़ी मुसीबत का काम हो गया। आगे जाके भी शुरू में नेपाल में बहुत दिक्कत हुई थी हमें, जब मर्जी इसमें पानी आ जाता था, अंदर पॉलिथीन लगानी पड़ती है ये ब्लू कलर की, फिर भी पानी आ जाता है। और थोड़ा मौसम ठंडा हो गया एकदम, है ना, मैंने तो जैकेट पहन ली है। पहनू हाँ खाली विंडशीटर से काम नहीं चलेगा, हाँ ये मोटा वाला पहनना पड़ेगा। चलो गाड़ी का मैं अभी स्टार्ट करके इंजन गर्म करता हूँ। आज 7 सितंबर को हम सुबह 10 बजे होटल वियना से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं कजाकिस्तान बॉर्डर। और ये सुबह से बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है, सारी सड़कें गीली हैं।
और ये खूबसूरत शहर और ज्यादा खूबसूरत हो गया है बारिश की बूंदों में नहाकर। तो हम जल्दी ही G30 हाईवे पकड़ लेंगे और वो हाईवे सीधा कजाकिस्तान बॉर्डर लेके जाएगा। एक बार ये हाईवे पे आ गए तो मेरे को लगता है हम 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे हमें बॉर्डर पहुंचने के लिए। Who are you seeing in front of you? वॉकी पे बातचीत चल रही है क्योंकि शहर से निकलते हुए ना सब लोग आगे Someone I don't पीछे हो जाता know. है। Shinwas, I think probably you have to stop a little. One road. वॉकी पे वॉकी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करोगे? या तो छोटा ग्रुप हो, वॉकी तो खैर उसमें भी Right. चाहिए। One road on the road. One. आइडियली Nithyananda. तीन I can गाड़ियां see का them as कॉन्वॉय बेस्ट रहता है मैंने देखा। I think Shinwas, we can go. I think Rohit is seeing everyone. Right behind. We are stuck in the sector one road. Just wait. कितने बड़ा बड़ा ट्रक है, देख रहे हैं आप? ये मेरे राइट साइड पे तो इसके, ये तो बहुत ही बड़ा ट्रक है। ये सब कहाँ जा रहे हैं? कजाकिस्तान? ये कजाकिस्तान सारा माल बाहर, चाइना का सारा माल बाहर ही जा रहा है। सारा कजाकिस्तान से ट्रक आ रहा वहां है या कजाकिस्तान जा रहा है? जा रहा होगा सर, आने का क्या मतलब? मेरा दोस्त कह रहा है चाइना में आने का क्या मतलब है, चाइना से माल जा रहा है, पूरा नेपाल जाता है बाय रोड, कजाकिस्तान जाता है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी जाता होगा बहुत। पाकिस्तान में सब जाता ही नहीं बता रहा है, हाँ पाकिस्तान में भी पूरा चाइना का तो माल जाता है, इसलिए फ्रॉड कजाकिस्तान बना रहे हैं। जाता है, तजिकिस्तान भी जाता होगा, वो भी तो जुड़ता है, रशिया भी जाता होगा अच्छा दोस्तों। लगता है हम बॉर्डर ही पहुंच गए हैं। We have already reached the border. We have traveled 7.8 kilometers only. यहाँ से क्लियरेंस होने के बाद फिर हम कजाकिस्तान में जाएंगे। उन्होंने सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगवा दी हैं और वो गाड़ियाँ चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो उनके मूड पे है। नोवा एजेंसी का जो एजेंट है या जो बंदा है जो कस्टम्स को डील करता है वो अंदर पेपर वर्क करा रहा है, ऐसा बताया गया है, मैंने उसको देखा तो नहीं है। और जो शेलॉन है वो यहीं पे है और सब लोग सेल्फी वगैरह खींच रहे हैं उसके साथ क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। फिर वो फ्लाई बैक कर जाएगी चेंगडू जहाँ वो रहती है। तो कल रात को हम लोगों ने अच्छा पार्टी किया लेक के किनारे। 2 घंटे की वेट के बाद अब बजे हैं 12 और शेलॉन ने बताया कि आपका पेपर वर्क पूरा हो गया है, अब हम दूसरे गेट पे जा रहे हैं। कौन से गेट पे जा रहे हैं कोई क्लू नहीं है, तो जाने के बाद पता लगेगा। तो अभी हम पार्किंग में खड़े थे और वहाँ पे क्या कस्टम क्लियरेंस का काम हुआ है वो भी पूरा ठीक से नहीं मालूम है क्योंकि नोवा एजेंसी का कोई एजेंट था उसके, जो उसने बताया, मैंने उस एजेंट को देखा नहीं कि जिसने कुछ पेपर वर्क किया है वहाँ पे। अब वो अभी 2 घंटे के बाद अभी अभी उसने बोला कि पेपर वर्क पूरा हो गया है, नाउ वी आर मूविंग। अब कहाँ मूव कर रहे हैं वो भी अभी आइडिया नहीं है, तो अब थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा 5 मिनट में, इसलिए ज्यादा पूछने की मैंने भी कोशिश नहीं की। ये चाइना साइड की बिल्डिंग है जहाँ से हम चाइना को एग्जिट करेंगे, तो इनका इमिग्रेशन ऑफिस है। पेपर वर्क हमारा पूरा हो गया लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं पेपर्स आने का। और ये सारी गाड़ियाँ आज पहली बारी आप लाइन में देखोगे, ये 4 मोटरसाइकिल है। आगे जाइलो
पीछे हाईलैक्स, फिर एक्सयूवी 500, फिर लैंड क्रूजर, फिर G4 अल्टुरस, उसके पीछे है पेजारो, उसके पीछे है नई स्कॉर्पियो वैन। और मल्लिकार्जुन कैसा लग रहा है? 2 किलोमीटर आगे है हमारा बॉर्डर है। यहाँ इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर क्लियर हो गया, पीपल आर वेरी हेल्पफुल। अब हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। पैसेंजर्स उतर के पैदल गए हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी के अंदर है। अभी गाड़ी की चेकिंग हो गई हमारी, अब आगे क्या होगा ये अब फिर समय बताएगा। ये देखिए आप इसको जरा पास से, इसके टायर्स देखिए, अलॉयज देखिए, खतरनाक गाड़ी है। ये 4 लोग जा रहे हैं अभी, ये फ्रीजर है, ये देखिए मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको ये गाड़ी क्या लग रहा है। इसकी अपहोल्स्ट्री देखो ऊपर, माशाल्लाह गाड़ी है, बहुत पावरफुल भी हो गई है। हरमन कार्डर के स्टिकर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये मैचिंग है इसकी, टैंक 4x4, सब इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड सीट्स हैं इसके अंदर, लूम्बर सपोर्ट भी है और ऊपर आपका सनरूफ भी है। सो इट्स ए वेरी नाइस कार। कितना बड़ा इसका डिस्प्ले स्क्रीन है और वेरी कंफर्टेबल कार, इट मस्ट बी वेरी पावरफुल कार। Is a good car? Yeah, it's a very good car. If possible, I like to have it in India. V6, twin turbo. So he is a boy going with his three friends. Four people. Good. इसका गाड़ी देख के यार मेरा तो दिल खुश हो गया। क्या मस्त गाड़ी है। टैंक देखने से कितनी मस्कुलर लग रही है। इसकी हेडलाइट देखिए, फ्रंट ग्रिल देखिए, बहुत मस्त गाड़ी लग रही है ये। यहाँ से देखिए इधर कि इसने अपना चाइना का फ्लैग लगा दिया है, पेरिस फ्रांस। छोटी गाड़ी है, अपना 5-door थार की तरह, लेकिन खतरनाक। इमिग्रेशन में पूरे 3 घंटे लग गए हमको। पहले मेरे को लगा था कि हम बड़ा फास्ट क्लियर हो रहे हैं, शुरू के पहला गेट तो फटाफट क्लियर हो गया, दूसरे गेट पे पूरे 3 घंटे लगे। गाड़ी का नंबर प्लेट, गाड़ी का इंजन नंबर, चेसी नंबर, पासपोर्ट, पूरा सामान स्कैन हुआ, तो पूरा इस प्रोसेस में 3 बज गए। और इस समय खजाकिस्तान का टाइम यहाँ से 3 घंटे पीछे है, तो खजाकिस्तान में इस समय 12 बजे हैं। अब मैं ये आगे आ गया, जो पैसेंजर्स हैं वो ये सामने खड़े हैं, वो यहाँ से आएंगे, और हमारी गाड़ियाँ जो चेक होके आई हैं वो ये खड़ी हैं। 2-3 गाड़ियाँ आगे हैं, बाकी मेरे पीछे हैं। तो यहाँ पूरे 3 घंटे लग गए हैं, अभी भी और कितना समय लगेगा नहीं मालूम है। चलो देखते हैं दोस्तों, अब इसके बाद हम कजाकिस्तान घुसेंगे। तो ये मेरे ख्याल से हर लैंड बॉर्डर पे हमें काफ़ी टाइम लगेगा क्रॉस करने में, इधर से उधर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। वो देखो वो पीछे खड़े हैं वहाँ पे हमारे पैसेंजर्स, अब वो आएंगे एक एक करके। तो दोस्तों ये देखिए चाइना से हम क्लियर हो गए, अब हमें कजाकिस्तान एंटर करना है। तो ये बीच का समझ लीजिए नो मैन्स लैंड है। ये जो फेंसिंग आपको नजर आ रही है इसके पीछे कजाकिस्तान है, और ये जो ब्लू वाला बोर्ड लगा है ये भी कजाकिस्तान का बोर्ड लग रहा है। तो चाइना बाय बाय, चाइना का बाय बाय हो गया है, एन एंट्री इनटू कजाकिस्तान। सब पहली बार इतना छोटा ट्रक देखा है मैंने यहाँ पे, जिसमें सिर्फ 6 गाड़ियां जा रही है। और अब शेलॉन की भी छुट्टी हो गई है, अब हम अपने आप में हैं। तो चाइनीज गाइड जो कंपलसरी सिस्टम था वो निकल गया है, अब देखते हैं किस किस के अंदर गट्स हैं। जो लोग पहले बोल रहे थे कि हम चाइना के बाद अलग हो जाएंगे, आज देखेंगे आप कितने लोग चाइना के बाद अलग होते हैं, क्योंकि चाइना के बाद अलग होने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए एकदम सोलो करने के लिए। तो ये आप कजाकिस्तान की एंट्री आ गई है। मैंने सोचा था ये कजाकिस्तान का बॉर्डर पोस्ट है, ये कजाकिस्तान नहीं अभी चाइना ही है, अभी तक हमने चाइना नहीं छोड़ा है। ये फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, फिर इन्होंने इंटरनली फ़ोन पे बात किया और फिर हमें जाने के लिए बोला कि आप जाओ। और अब ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं, बार्बड वायर लगी हुई है, ये यहाँ से अब हम निकल गए हैं चाइना के बाहर। तो ये गए गाड़ी के पहले 2 पहिए चाइना के बाहर, ये गाड़ी के पीछे के 2 पहिए चाइना के बाहर, अब मैं चाइना के बाहर निकल गया। ये बीच का जो
सड़क है ना जितनी है ये नो मेंस लैंड हो गई, और ये सामने जो मेरे को समझ में आ रहा है वो कजाकिस्तान होगा, क्या बोलते हैं आप? सो दिस इज एंट्री इनटू कजाकिस्तान। आज पूरे प्रोसेस में 10 बजे हम पहुंच गए थे और अभी तक हम लोग फ्री नहीं हुए। इस समय करीब 3:30 बज गए हैं, तो अब 10 मतलब 5 घंटे से ज़्यादा लग गए हैं चाइना से एग्जिट होने में। अब कजाकिस्तान घुसने में कितना लगेगा? तो ऐसे बाय लैंड जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो ऐसे ही हमें लगता है समय लगेगा हर जगह। आधा दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अभी तो चाइना से निकले हैं। अब ये जो खाकी ड्रेस में है ना, ये कजाकिस्तान वाले हैं। अब हम कजाकिस्तान में घुस रहे हैं। तो कजाकिस्तान में शायद जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि इंडियंस को यहाँ पे वीसा भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लेन वन ओपन, कोलिक नहीं पकड़, व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन पॉइंट, लेन टू लेन थ्री, ये 3 लेन्स बनी हुई हैं। कजाकिस्तान बॉर्डर पे हमारे पासपोर्ट चेक किए, जिसके अंदर प्रोसेस लगा मुश्किल से 2 मिनट, और साथ में ये एक पेपर मिला है जिसके ऊपर गाड़ी का नंबर लिखा है, और तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और आज की डेट लिखी है। तो ये एक तरीके से प्रूफ होगा कि ये गाड़ी यहाँ पे घुसी है अंदर आज कजाकिस्तान में। मैं इस समय कजाकिस्तान की भूमि पे खड़ा हूँ, और अभी कजाकिस्तान का लोकल टाइम हुआ है 3:15 बजे और चाइनीज़ लोकल टाइम हुआ है 5:15। तो हमको करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा लगे कजाकिस्तान में अंदर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए। वैसे कोई हैरेसमेंट नहीं थी, लेकिन प्रोसीजरल टाइम था, लोग स्वीट थे लेकिन धीरे धीरे काम कर रहे थे। और अब हम हाईवे पे आ गए हैं यहाँ से, और हमें जाना है अल्माटी, और यहाँ मेरे पीछे अब इन्होंने लंच बनाना शुरू कर दिया है, और एक बंदा अपनी गाड़ी लेके आगे निकल गया है। वो क्यों निकल गया वो अभी मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं अभी यहाँ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लंच में क्या बन रहा है। स्काई बहुत ब्लू नज़र आ रहा है, धूप निकली हुई है और थोड़ी ठंड है, और यहाँ से ये सीमेंट की रोड है और बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, यहाँ पे वन हैज़ टू बी केयरफुल। आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट हाईवे है 300 किलोमीटर का टू अल्माटी, 330 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट फ्रॉम द बॉर्डर टू अल्माटी, जहाँ हमारा होटल बुकड है। मोस्टली ये सीमेंटेड सड़क है, सीधी सड़क है, बीच में तारकोल की भी आ रही है, लेकिन ज़्यादातर सीमेंटेड है। ट्रैफिक ना के बराबर है, और दोनों तरफ फ्लैट लैंड है, ग्रासी लैंड है, डेजर्ट कम ग्रासी लैंड। और इस समय हमारा ऑल्टीट्यूड है रफली 500 मीटर, बॉर्डर पे 710 मीटर था, अभी 500 मीटर है, और धूप बहुत तेज है और हवा भी बहुत तेज है। तो गाड़ी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर है, मैंने जैकेट पहनी हुई थी ब्लू कलर की, अभी निकाल दी है, लेकिन बाहर निकलते ही क्रॉस विंड है बहुत तेज। तो ये आप देख रहे हैं, और आज फिर अल्माटी पहुंचते हैं, और अब काफ़ी कुछ धमाका होने वाला है कल परसों में, काफ़ी कंफ्यूजन है ज़िंदगी में, वो आप धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा। आप इंजॉय करिए हाईवे को। तभी ये सड़क के किनारे ग्रेवयार्ड नजर आया मेरे को, ये लगता है कुछ रिच लोगों का ग्रेवयार्ड है। आप देख रहे हैं ये, तो अभी मैं दीवार के पास जाके देख के आया था, तो फिर समझ में आया, दूर से तो मेरे को समझ में नहीं आया था। तो ये कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा सा वो बना दिया है ग्रेवयार्ड के ऊपर, और जिन बाकी लोगों ने छोटा छोटा बनाया हुआ है।
314 किलोमीटर हम खरगोश से चल चुके हैं और इस समय शाम के 7:30 बजे हैं कजाकिस्तान टाइम, मैं बता रहा हूँ। और ये पहला टोल आ गया है, टोल से पहले मैंने गाड़ी रोक ली है, कुछ गाड़ियाँ अभी पीछे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि टोल देना है तो कैसे देना है, किस करेंसी में देना है या कार्ड चलेगा। तो गाड़ी को मैं बीच में ना ले जाके यहाँ साइड में रोक लिया है, जिससे कि वहाँ पैदल जाके पूछ के आ जाते हैं कि टोल कैसे देना है। तो ये गाड़ी मैंने यहाँ साइड में रोक ली है और बाकी गाड़ियाँ शायद पीछे हैं, और जो आगे 2-3 गाड़ी जा चुकी हैं उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला कि वो कह रहे हैं हमें तो टोल मिला ही नहीं है। तो ये भी बड़ा अजीब सी बात है कि हाँ, एक्सप्रेस वे पे टोल वो कौन से रोड से निकल गए कि उनको टोल ही नहीं मिला। तो चलो देखते हैं, अभी मैनेज करेंगे, क्योंकि अगर सोलो जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी धीरे धीरे समय के साथ। यहाँ पे मैं पुलिस ऑफिसर को लेके आया या टोल कर्मचारी को, और उसने फिर यहाँ पे स्कैन किया, हमारा 190 लोकल करेंसी में आया। और फिर मैं पीछे जाके उस बिल्डिंग में, जो वो देख रहे हैं आप सामने, उस बिल्डिंग में जाके कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया है। अब ये कैसे खुलेगा ये समझ में नहीं आ रहा, अभी तो ये ट्रक फंस गया है, पहले ये ट्रक मेरे पीछे फंसा हुआ था, अब हम इस ट्रक के साइड में फंसे हैं। पेमेंट हमारा हो गया, अभी वो बंदा आ रहा है, वो शायद खुलवाएगा। टोल से क्लियर होने के बाद करीब 34 किलोमीटर दूर था हमारा होटल, और 45 मिनट्स के बाद हम अपने होटल नहीं सर्विस अपार्टमेंट पहुंच गए। और यहाँ तो पूरा ही कन्फ्यूजन है, अलग अलग टावर्स हैं उसमें, अलग अलग अपार्टमेंट्स में हैं, एक एक अपार्टमेंट में 5-5 लोग डाल दिए हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं 2 लोगों के लिए अपार्टमेंट, और जो हमारा ऑर्गेनाइजर था वो तो चला गया कहीं और, ये बोल के कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकने जा रहा हूँ, हम लोगों को यहाँ दूसरे ऑर्गेनाइजर के साथ छोड़ गया। दूसरा ऑर्गेनाइजर तो सुबह निकल जाएंगे यहाँ से किर्गिस्तान, क्योंकि हमारा किर्गिस्तान का वीसा जिस ऑर्गेनाइजर ने लिया था वो एक्सपायर हो गया है आज, तो हम किर्गिस्तान भी नहीं जा रहे, हमें कजाकिस्तान में ही 2-3 दिन गुजारने पड़ेंगे। और जो दूसरा ग्रुप है मोटरसाइकिल वाला है और कुछ कार वाले, वो निकल जाएंगे कल किर्गिस्तान, फिर वहाँ से तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और फिर वापस कजाकिस्तान। तो अब कल सुबह हमारा ऑर्गेनाइजर जो अभी चला गया है कहीं, ये बोल के कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकने जा रहा हूँ, कल जब वो आएगा सुबह दोपहर में तो पता लगेगा, नहीं तो हो सकता है अब सब हम लोगों को अलग अलग जाना पड़े। तो अभी हम इधर ही, मैं आपको दिखाता हूँ ये सर्विस अपार्टमेंट्स, तो ये ऐसे हैं। अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि कोई और मिल जाए, क्योंकि इतना छोटे छोटे कमरे हैं उसके अंदर इतने सारे लोग हो गए हैं। तो ये ऐसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सर्विस अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ अंदर आप घुस भी नहीं सकते हैं। अब ये मेरे पीछे टावर नंबर 2 है, ये देखिए टावर नंबर 2 है। अब मेरा फ्रेंड कुपेंद्र ऊपर गया है ढूंढने के लिए कि कोई अच्छा सा एक 2 लोगों के लिए अपार्टमेंट मिल जाए। तो अभी ये जिस चीज़ की मेरे को उम्मीद थी ना कि ये होगा, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट तो चाइना बॉर्डर के बाद ही निकल गया था और जो ऑर्गेनाइजर था वो भी यहाँ आने के बाद निकल गया, ये बोल के कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकने जा रहा हूँ, हमको तो बताया भी नहीं किसी को, बोल के चला गया कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। जब हम आए यहाँ तो वो नीचे वेट तो कर रहा था हमारी वहाँ पार्किंग के उधर, तो लेकिन उसने मेरे को तो नहीं बताया कि मैं कहीं और रुक रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे का प्रोग्राम क्या है, कहाँ जाना है कुछ नहीं मालूम, तो वो गायब हो गया, एक पार्टिसिपेंट पहले ही चला गया था। तो चलो अब जो है सो है, उसको झेलना है, नहीं तो हम अपना अलग से करेंगे। तो दोस्तों आज की तो कहानी इतनी सी है, दिन भर का सफर बड़ा अच्छा रहा, रात को आके थोड़ी सी भसड़ हो गई है, खैर चलिए इसको भी झेलेंगे, हर चीज़ झेलने के लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। तो मिलता हूँ मैं कल नए धमाके के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ, और सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।